18वीं लोकसभा के नतीजे आए करीब करीब 24 घंटे हो गए हैं और जरूरी है कि कुछ आकलन कर लिया जाए। लेकिन आकलन करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहती हूं, हिंदुस्तान ने अपने आप को बचा लिया, मेरे देश ने अपने आप को बचा लिया, मेरे देश के लोगों ने अपने आप को, अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को बचा लिया। और इससे ज्यादा ओवरवेलमिंग, इससे ज्यादा भाव विभोर करने वाली बात दूसरी और कोई हो ही नहीं सकती है। कुछ चीजें शीशे की तरह साफ है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी की निर्णायक नैतिक हार है। 63 सीटें करीब करीब बीजेपी की पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई है। यह पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी की शक्ल पर, उनकी होर्डिंग पर, उनकी तस्वीरों पर, उनकी गारंटी पर लड़ा गया। तो जब चुनाव हारा गया तो यह नरेंद्र मोदी की हार है। और असलियत यह है कि लोगों ने रिजाउंडिंगली रिजेक्ट किया है उनको, उनकी नफरत की राजनीति को, उनके जलूल की बातों को और बीजेपी को। 63 सीटें करीब करीब कम हुई है बीजेपी की 2019 के मुकाबले। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की खुद की मार्जिन मात्र 1.5 लाख वोट रही जीतने की। जबरदस्त चुनाव लड़ा अजय राय जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष बनारस में, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और यही नहीं, आसपास की सीटें, चंदौली हुआ, जौनपुर हुआ, ये सारी सीटें बीजेपी हारी। तो बनारस का बहुत कुप्रभाव भी आसपास पड़ा बीजेपी के लिए। इससे ज्यादा वोट से तो किशोरीलाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया करीब 1,64,000 से। और अगर राहुल गांधी की विनिंग मार्जिन की बात की जाए तो वायनाड और रायबरेली दोनों में लगभग 4 लाख वोट से जीते। तो नरेंद्र मोदी जी की जो खुद की मार्जिन भी कम हुई, उसने सिद्ध कर दिया कि जो कहते थे उनको मां गंगा ने बुलाया है और मां गंगा में उन्होंने 80-80 नाले बहा दिए, उसमें मृत गाय तैर रही है, आचमन योग्य पानी नहीं रहा है, कॉरिडोर के लिए लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिवलिंग और गौरी प्रतिमाएं सड़कों पर पड़ी हैं, कहीं ना कहीं काशी भी उकता गया है। और देखिए कितनी जल्दी झोला उठा के वहां से जाना पड़ता है। इस चुनाव ने एक बात और सिद्ध करी कि लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आप मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, इस तरह की उलझलूल बातें करिए। आप अपने आप को परमात्मा का दूत बता दीजिए। लोगों ने यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा है। और असलियत यह है कि राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया था इस संविधान को बचाने का, हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ को बचाने का, इस देश की आत्मा को बचाने का, उसमें उन्होंने वादा किया था, वो सफल हुए हैं। और ये बीड़ा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक उठाए रखा। वो मुद्दों पर टिके रहे, लाख बातें कही गई, वो नहीं हटे, डटे रहे मुद्दों पर। और खटाखट 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 देश की जनता उनके पीछे नामबंद हो गई। इंडिया के सारे गठबंधन के नेताओं ने एक साथ मिलकर एक स्वर में कुछ ही मुद्दे उठाए और वो जनता के मुद्दे थे। और उसी लिए हमें बड़ी, बहुत बड़ी बढ़त भी हासिल हुई। और इक्की दुक्की जगह नहीं हारी है भाजपा। भाजपा उत्तर प्रदेश हारी है, महाराष्ट्र हारी है, राजस्थान हारी है, पश्चिम बंगाल हारी है, गुजरात को भेद दिया गया, बिहार में सीटें कम हुई। और जहां दौड़ दौड़ कर मोदी जी सभाएं तमिलनाडु में कर रहे थे, वहां पर एक बहुत बड़ा नीलबट्टा सन्नाटा मिला। तो हर जगह हार हुई है बीजेपी की, यह व्यापक हार थी। नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र के लिए कहा जाता था वो 10 लाख से जीतेंगे, वो तो 1.5 लाख से जीते। लेकिन कांग्रेस के सांसद रकीबुल जी असम में 10 लाख वोट से जीते। वो उस समुदाय से आते हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा था। तो इस देश की जनता ने उनको ढोल बजाड़े, ताशे बाजे बजाकर सदन में पहुंचा दिया और ये यकीन दिला दिया कि इस देश की जनता के खिलाफ मत बोलिएगा, क्योंकि फिर वो एक स्वर में आपसे बदला लेती है। 10 लाख से तो आप नहीं जीत पाए, लेकिन रकीबुल जी 10 लाख से जरूर जीते। मैं बात करना चाहती हूं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहां तो खेला हो गया और खेला होना ही था। दिख रहा था जब हम सड़कों पे जा रहे थे, रैली में जा रहे थे, दिख रहा था कि जनता कितनी उद्वेलित है और कितनी लामबंद होकर गठबंधन के साथ खड़ी है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जनता बेजोड़ तरीके से खड़ी थी। ये सच है कि उसी जनता ने जिताया। और अमेठी की बात करना चाहती हूं, किशोरीलाल शर्मा जी का जीतना एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि इस चुनाव में जनता ने कुछ बड़े संदेश दिए हैं। उसमें से एक बड़ा संदेश है, आप लखीमपुर किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त को अपना मंत्री बनाए रखिएगा, कोई बात नहीं। इनफैक्ट उनके पिता को अपना मंत्री बनाए रखिएगा, कोई बात नहीं। ये जनता किसानों की मौत का और उनकी शहादत का बदला लेगी। अजय मिश्र टेनी को लखीमपुर से हराकर जनता ने इस बात का बदला लिया। आप प्रज्वल रवन्ना जैसे राक्षस के साथ खड़े रहेंगे, उसके नाम पर वोट मांगेंगे, जनता ने उसको हराकर औरतों के सम्मान का, उनकी आबरू का बदला लिया। जनता ने स्मृति ईरानी को हराकर
अहंकार कांत की, और इस पर मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ। और बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्मृति ईरानी जी का वजूद ही राहुल गांधी जी की बात करके, ना वो महिलाओं पर बात करती है ना बच्चों के कुपोषण पर बात करती है, उनकी सारी राजनीति राहुल जी को मैंने हरा दिया, राहुल जी के खिलाफ बोलने की है। अमेठी की जनता ने पता है किस दिन तय कर लिया था कि आपको हराना है? जिस दिन आपने सदन में खड़े होकर सोनिया गांधी जी से तू तड़ाक किया था, जिस दिन आपने उनको तुम कहकर संबोधित किया था, उसी दिन अमेठी ने डिसाइड कर लिया था कि आपकी बड़ी शिकस्त होगी। 1,64,000 वोटों से हारना आसान बात नहीं है, और जिसको आप राहुल गांधी का पीए कहती थी ना, वही काफी थे आपको हराने के लिए, कांग्रेस का एक मजबूत कार्यकर्ता। लेकिन मैं कहना चाहती हूं, ये देश बहू को बेटी से ज्यादा सम्मान देता है। सोनिया गांधी सिर्फ इंदिरा जी की बहू नहीं, इस देश की बहू है। वो इस देश में आकर माँ बनी, सास बनी, नानी बनी, वो बहुतों के लिए मातुल्य हैं। उन्होंने अपने मुकाम पर इतनी इज्जत, इतनी गरिमा, इतनी मर्यादा से जीवन निभाया हिंदुस्तान में कि उस बहू के अपमान पर आपको गहरी चोट खानी पड़ी। और एक आपने बहुत बड़ी गलती कर दी स्मृति ईरानी, आपने प्रियंका गांधी की बड़ी भद्दी नकल उतारी अमेठी में, ये आपको नहीं करना चाहिए था। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, अमेठी प्रियंका जी को अपनी बेटी मानता है, भैया जी कहकर उनको वहां पर आम जनता संबोधित करते हैं। उनके साथ जो आपने किया, जो उनकी नकल उतारी, उसी दिन अमेठी ने डिसाइड कर लिया था कि आपको तो वहां से खदेड़ना है। इस देश ने एक और भी बहुत बड़ा संदेश दिया। इस देश ने ना सिर्फ बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त दी, पर श्रावस्ती में भी, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा जी के पुत्र लड़ रहे थे और घूम घूम कर कहते थे मेरे पिता ने मंदिर बनवाया, वहां पर भी भाजपा को हराया। ये किसकी हार है? ये हार है उन लोगों की जिन्होंने प्रभु राम को एक छोटा सा बनाकर नरेंद्र मोदी को उनकी उंगली थाम दी, जिन लोगों ने गाने बनाए हम राम को लाए हैं, प्रभु राम जो देश ही के नहीं दुनिया के कड़कड़ में बसते हैं, आस्था का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, उन्होंने विराट रूप धारण करके आपको हराया। क्योंकि आपको राम का पुजारी बनना चाहिए था, आप राम के व्यापारी बन गए। और कमाल की बात तो तब है कि जब हिंदू खुद अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागा, जब उसने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाला, तो बीजेपी की आईटी सेल वाले हिंदुओं को ही कोसने लगे, और कोसने ही नहीं लगे, इतने घृणित, इतने अपमानित शब्द कहने लगे, किसी ने तो हिंदुओं को हिजड़ा तक कह डाला। हिंदू जाग चुका है, हिंदू समझ चुका है कि धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों से ना ये धर्म चलेगा, ना उनके बच्चों का भविष्य चलेगा। हिंदू जान चुका है कि उनके आराध्य का व्यापार करके, भगवान राम का व्यापार करके, धर्म के ठेकेदारों को सबक सिखाना पड़ेगा। और हिंदुओं ने एक स्वर में आपको यूपी में, आपको बिहार में, आपको राजस्थान में, आपको महाराष्ट्र में, आपको पश्चिम बंगाल में, आपको तमिलनाडु में रिजेक्ट किया है हिंदुओं ने, ये याद रखिएगा। आप नाथू राम के उपासक हैं, आप श्री राम के उपासक नहीं है। श्री राम ने जब देखा कि आपने राम के उपासकों को, उनके अनुयायियों को बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, गुर्बत से, महिलाओं को असुरक्षा से दबोचा हुआ है, तो उन्होंने खुद बदला लिया और आपको एक बड़ी शिकस्त दी। इसमें बहुत बड़ा संदेश है, अगर आप पढ़ना चाहिए तो जरूर पढ़िएगा। आस्था और धर्म कभी भी व्यवसाय नहीं बन सकता, जिसको आपने बनाने की कोशिश की। दूसरा खेला हुआ महाराष्ट्र में, बड़ा दंभ भरते थे आप, खूब आपने लोग तोड़े, ईडी से, इनकम टैक्स से डरा डरा के अपने में मेल जोल किया। महाराष्ट्र को यह कतई पसंद नहीं आया, उनको पीठ में छुरा घोंपने वाले और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए, और महाराष्ट्र ने उन सब लोगों को हराया। यही नहीं, जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी थी हाल के दिनों में, 80% लोग उसमें से हारे, क्योंकि लोगों को आपकी वॉशिंग मशीन की धुलाई ना पसंद नहीं आई मोदी जी, शायद आप ये समझ नहीं पाए। इसके अलावा मैं चर्चा करना चाहती हूँ, इस देश ने एक और भी बहुत बड़ा संदेश दिया। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, आप वहां नहीं जा पाए, लेकिन मणिपुर ने कांग्रेस को 2 सीटें जिताई, नागालैंड की सीट जिताई, मेघालय की 1 सीट जिताई, और ये संदेश दिया कि नॉर्थ ईस्ट से आपका डिब्बा गोल करके आपको खदेड़ दिया गया है। आप इस देश के एक राज्य को जलता छोड़ सकते हैं, उसके हाल पर छोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने नहीं छोड़ा, राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा, और इसीलिए मणिपुर हमारे साथ लामबंद होकर खड़ा हो गया। मैं 2 बातें और कहना चाहती हूँ। आपने टीवी इंटरव्यू के दौरान एक शब्द का प्रयोग किया था, कौन राहुल, आशा है याद आ गया होगा, और अब याद रहेगा, वो राहुल जिसने आपकी नींद उड़ा दी है, जिसने आपके दिन का चैन खत्म कर दिया है, वो राहुल
जिसने आपके प्रधानमंत्री बनने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वो राहुल जो इस देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के साथ खड़ा हो गया और आपको ललकार दिया, वो राहुल जिसने आपकी 63 सीटें हरवा दी, वो राहुल जिसने आपको शिकस्त दी, वो राहुल जो इस देश का बेटा है, वो राहुल जो इस देश का भाई है, वो राहुल जो इस आपकी तरह इस देश का राजा नहीं बनना चाहता, इस देश का बेटा और भाई बन के रहना चाहता है, याद रखिएगा कौन राहुल। एक और बात कहने की है और यह कहनी जरूरी है, इस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया जो मलबा बन चुका है, जिस मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख, अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रोल को गिरवी रखकर बेचकर नरेंद्र मोदी का चरण वंदन किया, उस मीडिया की आज कोई विश्वसनीयता बची ही नहीं है। वो नैरेटिव बनाने में तो निष्प्रभावी रहा ही, असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी ने करीब 80-85 इंटरव्यू दिए और उस इंटरव्यू में एक में भी नैरेटिव नहीं बना पाए, बल्कि उल्टे अपनी मिट्टी पलीद करी इंटरव्यू में, प्रत्युत्तर ही नहीं पूछे गए। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, इंटरव्यू करने वाले उनका चेहरा देखते रहे कि शायद भगवान ही नजर आने लगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या मैं सबको गरीब बना दूं, पूछने वाले ने यह नहीं पूछा आपके मन में गरीब बनाने की बात क्यों आई, आप सबको अमीर भी तो बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला दुनिया गांधी को ही नहीं जानती थी, गांधी पिक्चर के बाद पता चला, पूछने वाले ने यह नहीं पूछा कि 82 में पिक्चर आई थी, उसके पहले आइंस्टाइन से लेके मंडेला और मंडेला से लेके मार्टिन लूथर किंग जूनियर, गांधी इस देश की नैतिक धुरी है, इस विश्व की नैतिक धुरी है, किस तरह की बातें की आपने। तो मुख्य धारा के मीडिया ने वो हाल किया आपका, इतना माहौल बनाया आपका जो शायद पहले कभी नहीं बना था। मुख्य धारा का मीडिया शेयर मार्केट पर चर्चा करता रहा, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया ने बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा नहीं की। और एक दो शब्द तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े एग्जिट पोल लाते हैं, जब मोदी जी की लुटिया डूबने लगती है, जो उनके तारण हार बन के आ जाते हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग, क्या है इनकी राजनीति, क्या है इनकी साख, क्या है इनकी विश्वसनीयता, जो बीजेपी को अकेले दम पर 300-350 सीट दे रहे थे, क्यों आते हैं आप हर बार उनके तारण हार बन के, क्यों हर बार उनको उबारने के लिए आप आते हैं, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं, आप उनके साथ लामबंद हैं, दुनिया की आंखों में आप कितनी भी धूल झोंकते रहिए। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं और वो बात कहनी जरूरी है यहां पर, जो जंग, जो रण, जिस क्रांति का उद्घोष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया था, जिस व्यक्ति ने देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नाप दिए, जो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करता है और इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति देने की बात करता है, इस देश के युवाओं की रोजगार की बात करता है, महिलाओं के सम्मान और समृद्धि की बात करता है, किसानों की MSP की बात करता है, मजदूरों की खुशहाली की बात करता है, ये देश उसके साथ उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको क्या कहिए, आप उसको क्या कीजिए, वो साहसी है। और असलियत यह है कि साहस और सत्ता की लड़ाई में हर बार साहस जीतता है, यह आप भूल गए। आप भूल गए कि सत्य और असत्य की लड़ाई में हर बार जीत सत्य की होती है, आप भूल गए कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में हर बार जीत धर्म की होती है, और हिंदू धर्म का आधार है सत्य, आधार है प्रेम, आधार है साहस, और इसीलिए जीत राहुल गांधी की हुई। एक सफेद टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने आपको ऐसी शिकस्त दी, कैसा लग रहा है नरेंद्र मोदी जी, शहजादे की शह और मात पाकर।